मोहब्बत रिसालत और इताअत इलाही के मौजू पर ये खमसे मजालिस बारगाहे मासूमीन से आप समात फरमा रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह आले इमरान की 31 नंबर की आयत में कि आए मेरे रसूल, आए मेरे हबीब, जो लोग मेरी मोहब्बत का दावा करते हैं तो उनसे साफ साफ लफ्जों में हमारी तरफ से ये कह दीजिए फत्तबिउनी कि तुम हमारी इत्तेबा करो। दावे मोहब्बत पेश करने से ज्यादा बेहतर है कि तुम हमारी इत्तेबा करो। नतीजा क्या होगा इत्तेबा में? वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा और अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करने लगेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि देखिए दावा करने से बेहतर यह है कि इंसान आदाव जवारे से अमली दुनिया में उतर आए, क्योंकि दावे कभी कभी गलत भी होते हैं लेकिन अमल और किरदार गलत नहीं हुआ करता। इसीलिए अल्लाह ने दावत फिक्र पेश की है अपनी तमाम के तमाम तर मखलूकात को कि तुम अगर हमसे मोहब्बत का दावा करते हो तो जिनको हमने हुज्जत बनाया है, जिनको हमने वली बनाया है, जिनको हमने रसूल बनाया है, जिनको हमने रहमत बनाया है, जिनको हमने अपनी पहचान का जरिया बनाया है, उनकी इत्तेबा करते रहो, हमारी मारिफत होती रहेगी और हमसे मोहब्बत भी होती रहेगी और आखिर में मरहला ये भी होगा कि फिर तुमको गुनाह बख्शवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। सलावात पढ़े मोहम्मद। तो
आपने गौर फरमाया कि मोहब्बत तो हकीकत में मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत का नाम है, और सबसे सबको मोहब्बत भी नहीं होती, मोहब्बत भी कुर्बानी चाहती है, हर एक को हर एक की मोहब्बत भी नहीं मिलती। और जो दिलाने कराने ये सारा का सारा कारखाने हस्ती जो आप देख रहे हैं सब मोहब्बत का मरहूनी मिन्नत है। आप देखिए ये जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना, ये चांद और सूरज की कंदीलें, ये सब क्या है? ये मोहब्बत का एक इजहार है। जैसा कि अल्लाह ने कहा, खुद कहा है, कुंतु कंजन मख्फिया फअहबबतु अन उरफ, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फखलकतु कल खल्क, तो मैंने खल्क को खल्क किया और उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्से खल्क को मोहम्मद का नाम दिया, दूसरे हिस्से खल्क को अली का नाम दिया। बहुत तवज्जो दिलाने का नामी, तो इस मकाम पर आप मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि कायनात आलम जिसके जरिए पहचानी जाए, कायनात आलम जिसके जरिए पहचानी जाए, उस जात को खुदाए अजली कहते हैं, और खुदाए अजली जिनके जरिए पहचाना जाए उन जवात मुकद्दसा को मोहम्मद और अली कहते हैं। सलावात है मोहम्मद वाले। तो अजी तो अब ये तो एक लफ्ज था मुजमल लफ्ज कि जो आपने भी पढ़ा होगा और मुसलसल आप समाअत भी फरमाते रहते होंगे कि ये हदीस कुदसी का एक फिक्रा था जिसको मैंने अभी अभी आपकी खिदमत में गुजारिश किया है कि अल्लाह ने भी मोहब्बत के उन्वान पर मोहम्मद अली को पैदा किया। आप समझ रहे हैं? तो ये अल्लाह को चाहत थी, मोहब्बत थी, ये उसका एहसान है कि अल्लाह ने अपने लिए जिन हस्तियों को मोहब्बत में पैदा किया उन हस्तियों को हमारे लिए हिदायत का जरिया करार दे दिया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। और अल-मुख्तसर कहने वाला वो क्या कहता है कि ऐ नूर के पैगर तुझे क्या खाक से निस्बत, ऐ नूर के पैगर तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान तेरा है जो जमीन पर उतरा। आप खुद एहसास कीजिए कि इतनी मेहरबानी और इतना बड़ा एहसान है परवरदिगार का कि जिन हस्तियों को अल्लाह ने अपनी मारिफत और मोहब्बत के लिए पैदा किया उन हस्तियों को अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए ज़मीन पर भेज दिया। तो अब तकाज़े शराफत क्या है, तकाज़े इंसानियत क्या है कि उन हस्तियों को हथेली पर रखा जाए या नहीं रखा जाए, उन हस्तियों को अपनी पलकों की चटाइयों पर रखा जाए या न रखा जाए। तकाज़े इंसानियत यही है, तकाज़े शराफत यही है अदीदाने गरामी, कि जिन हस्तियों को अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया और फिर ऐसे मौके पे जो जुमला आ रहा है वो गिफ्ट गॉड के तौर पे आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि बाद हजरात अल्लाह से गाड़ी घोड़ा मांगते हैं। आप समझ रहे हैं क्या आज कर रहा हूं? आए अल्लाह घर दे दे, आए अल्लाह बंगला दे दे, आए अल्लाह गाड़ी दे दे, आए अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, ये छोटी छोटी सी चीजें क्यों अल्लाह से मांगते हो? छोटी छोटी सी चीजें अल्लाह से ना मांगो। आप समझ रहे मैं क्या कहूँ? अरे इन चीजों आलिम दीन ने क्या जवाब दिया है
कि कायनात आलम की जो भी चीज आपको मांगना हो तो आप 14 से मांगो, और 14 को मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। नो बैटरी, प्लीज चार्ज। और फरमा रहे हैं 14 को मांगने का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने 14 अपने किरदार रखे, अल्लाह ने 14 अपनी हस्तियां रखी है अपने तक पहुंचने के लिए, और अलग अलग एंगल में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है। कहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान लाने वालो, सारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ उद्दत लिल मुत्तकीन। आज का मरहला सिर्फ इसी पे तमाम करना है। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहब्बत की गुफ्तगू चल रही है और मोहब्बत जब तक बाकी रहती है, माहौल हकीकत में बाकी रहता है, और जहाँ मोहब्बत में इंतशार पैदा हुआ वहाँ माहौल बिगड़ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि दुनियावी मोहब्बत का जज्बा रहना ही नहीं चाहिए, इंसान को अल्लाह की मोहब्बत पर कायम रहना चाहिए, रसूल की मोहब्बत पर कायम रहना चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत पर कायम रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद कायनात भी अगर रुठ जाए तो इंसान को किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यही है कि खुद फातहे करबला का इरशाद है दुआए अरफा में कि ऐ अल्लाह जिसने तुझे छोड़ दिया उसने क्या पाया। बड़ा कीमती जुमला है मोमिनीन, बहुत कीमती जुमला है खुदाई कसम जो मौला फरमा रहे ऐ अल्लाह जिसने तुझे छोड़ दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया उसे क्या खोया। यानी मतलब ये हुआ कि अल्लाह को जिसने पा लिया समझिए कि सब कुछ उसने पा लिया, और अल्लाह को जिसने छोड़ दिया तो समझिए सब कुछ उसने छोड़ दिया। देखिए अब वक्त धीरे धीरे पूरा हो रहा है, लेकिन कुछ मामला हैं जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँ मोहब्बत के उंसुर पर। पा लिया, पाना कैसा होता है? एक होती है जबान की मोहब्बत, एक होती है कल्ब की मोहब्बत। मर्ज कर रहा हूँ आज, एक मरहला सुन लीजिए, बात को तमाम होना है, वक्त पूरा हो रहा है धीरे धीरे। कि एक होती है नोक जबान की मोहब्बत, एक होती है कल्बे सलीम की मोहब्बत। नोक जबान की मोहब्बत फिर जाती है, बदल जाती है, पीछे हट जाती है, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन कल्बे सलीम की मोहब्बत, सर कटता है तो कट जाए मगर मोहब्बत नहीं फिरती, हाथ कलम होते हैं तो हो जाए लेकिन मोहब्बत पीछे नहीं हटती। अजीजो दोनों मरहले आपकी खिदमत में आज मैं अर्ज कर दूं ताकि हमारे हाजरीन मोमिनीन को भी फायदा हो सके, और ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह दूर दूर तक जाता है लाइव पे, सब देखते हैं, इसलिए पूरी जमानत के साथ और बहुत जिंदा दिलेरी के साथ आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहब्बत बुरी नहीं है, लेकिन मोहब्बत में भी बेदारी शर्त है। कुछ अर्ज कर रहा हूँ, मोहब्बत बुरी नहीं है लेकिन मोहब्बत में बेदारी शर्त है। मोहब्बत भी दो किस्म की होती, एक नफ्स की मोहब्बत होती है और एक अकल की मोहब्बत होती है। तो वो मोहब्बत जो ख्वाहिश और नफ्स की मोहब्बत होती है उसमें बेवफाई हो जाती है, लेकिन जिसमें अकल शामिल होती है उसमें वफादारी होती है। अब आइए करें हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सलाम के पास खुरासान का एक बंदा हाजिर हुआ जिसको हसन खुरासानी भी कहा जाता है, और कहने लगा मौला इस वक्त खुरासान में 1,00,000 तलवारें आपकी मुआफिकत में, आपकी पैरवी में, आपकी इत्तबा में, आपकी देखरेख में, आपकी सरकर्दगी में,
आपके जेरे तसल्लुत, आपके साये में, आपकी कुव्वत में, आपकी ताकत के जेरे असर चलने को बेचैन है। मौला उठिए, और उठने के बाद आपका जो हक गस्ब किया गया है वह आप उठ के ले लीजिए। देखिए, हक का तलवार की नोक पर ले लेना और है, और हक का वहां कर लेना। तो दीदा नहीं कर रहा, मैं क्या आज कर रहा हूं। तो वही मोहब्बत का उन्वान जो चल रहा है उसमें बहुत कुछ इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे करके आपके कदमों में बयान करूँ। लेकिन गुजारिश है थोड़ा आप ही टाइम के साथ आप लोग तशरीफ ले आएंगे तो बहुत इंशाल्लाह महसूस होंगे आप कि मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। और मोहब्बत हो तो फिर इंसान को देर नहीं लगती है अपनी ज़िंदगी के बदलने में। अदीदा नहीं करें, आप समझ रहे, मोहब्बत नहीं हो आप लाख कुरान पढ़ते रहिए कुछ होने वाला नहीं है। और अगर मोहब्बत हो तो हुआ हुआ ही इंसान की जिंदगी के कारखाने को बदल देता है। मैं कुछ कह गया आपके कदमों से, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बात आ गई। देखिए मैं जिम्मत में आपके कदम गुजारिश कर रहा हूँ। अमीर गुजर रहे हैं, मौला ने देखा एक नौजवान है, नौजवान तशरीफ फरमा, सीखो दरसगाह हुसैनी है, मजलिस हुसैन दरसगाह हुसैनी है। मौला ने देखा एक नौजवान के जबान पर होवा होवा होवा, क्या होवा होवा का नारा बुलंद है। अमीर आगे बढ़े और कहा, भाई ये तू क्यों हुआ हुआ कह रहा है, कुरान क्यों नहीं पढ़ता? तो उसने कहा कि या अली, कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूं, कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन अब बुजुर्गों से सुना है, पढ़े लिखों से सुना है कि जो तुम पढ़े हो वही सही से अगर दोहराते रहो। मैं क्या कह गया आपकी खिदमत में, पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद है, आपको जो मालूमात है, उसी मालूमात को बरूए कार आप सामने लाते रहिए, यही कामयाबी है। मैं क्या कर रहा हूं, वरना मोहम्मद खड़े होके पढ़े या बैठ के पढ़े या लेट के पढ़े, नहीं नहीं नहीं, सही तलफ़ुज़ का होना, दूसरे मानवियत पर गौर करना। बॉस जी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वलज़ालिम ये पढ़ना और है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो आलमीन का रब है, और रहमान रहीम जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक भी है। लेकिन मैं क्या कारण कह गया आपने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वलज़ालीन पढ़ना और है, और सूरह हम को पाठ में पढ़ते पढ़ते तर्जमा दिल से करना और है। सलावात पढ़िए बहुत अलग होगी कि जबान तो तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जबान तो तिलावत कुरान कर रही है और दिल उस तिलावत का तर्जमा कर रहा है अल्लाह। तो फिर ऐसी इबादत का क्या कहना। नौजवान कहने लगा, या अली, हमको पूरा कुरान नहीं आता है, लेकिन किसी बुजुर्ग ने मशवरा दिया है कि जो आता है उसको तो सही पढ़ो, तो इसीलिए मैंने बहुत कुछ गौर किया, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, तो आपने सोचा तो सूरह तौहीद में अल्लाह की तरफ से निस्बत है कुल हो वल्लाहु अहद, तो आपने सोचा ये पूरा जुमला भी हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर हो वल्लाह हो वाह तो कह सकता हूँ,
तो जब मैं होबा होबा कहता हूँ, मैं क्या अर्थ कर रहा हूँ, जब मैं होबा होबा कहता हूँ तो जहन में मेरी अल्लाह की पूरी तस्वीर आ जाती है। तस्वीर का मतलब ये ख्याल आ जाता है कि होबा से मुराद अल्लाह की जात है, होबा से मुराद अल्लाह रहम करने वाला है, होबा से मुराद अल्लाह करीम है, होबा से मुराद अल्लाह मेहरबान है। और क्या आपने जब होबा कहा तो फौरन जहन में आ गया कि होबा से मुराद कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह की जात खास है। सलावत पढ़े अमीर मुस्कुराए, आदमी भी काम का था, नौजवान सीखना चाहता था। मौला ने फरमाया समझ गए मौला कि वाकई जब हुआ पे इसका इतना स्ट्रगल है, हुआ को इतना ये करीब से मान रहा है, तो फिर क्यों इसको और ज्यादा करीब कर लिया जाए। मौला ने आगे पढ़ के उसको अपने सीने इमामत से लगा लिया और एक मरतबा जरा जोर से दबा दिया, सुभान अल्लाह, जरा जोर से दबा दिया और दबाने के बाद कहा अब जा नौजवान, अभी तक सिर्फ तेरे जबान पर हुआ था, अब तेरे सीने में पूरा कुरान आ गया, क्योंकि मुअल्लिम कुरान मैं अली हूँ। हाय हाय हाय, अब तू जो चाह वो पढ़ सकता है, चाहे सूरह अलहम पढ़ना चाहे तो सूरह अलहम पढ़ सकता है, बकरा पढ़ना चाहे तो बकरा पढ़ सकता है, चाहे यासीन पढ़ना चाहे तो यासीन पढ़ सकता है। आपने गौर किया, जब नियत में मोहब्बत हो, जब दिल में मोहब्बत हो तो जली को पुकारोगे अली याद आएंगे। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। अब आइए सच्ची मोहब्बत का, देखा आपने ये अंदाज होता नो के कलम से नो के जबान से, इंसान लाख हुआ वह चिल्लाता रहे कहीं हुआ आज तक, लेकिन वो सच्ची आवाज थी कि अल्लाह को न रहा गया, अल्लाह ने खुद अली मुर्तजा को भेज दिया कि जाओ मेरे अली, दावा हमारा होगा, दलील तुम बनोगे, जाओ इसको पूरे कुरान की तालीम दे दो और उसको बता दो कि तौहीद के मानने की बरकत क्या होती है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, आया हसन खुरासानी बारगाह हजरत इमाम शाहजुबा अलैहि सलाम में और कहता है फरजंद रसूल खुरासान में 1,00,000 तलवारें आपकी मुआफिकत में चलने को तैयार हैं और आपका जो गया हुआ हक है वो वापस आ जाएगा। मौलाना हैजान इमाम है, हुज्जत खुदा है, वली खुदा है, टोन नहीं पहचानने की क्या कहने वाला कह रहा है। मौला ने फरमाया सही कह रहा है क्या? अरे क्यों नहीं सही कह रहा हूं। मौला ने फरमाया एक बात सुन, अगर वाकई तू सच्चे दिल से मुझे चाहता है, क्या था? तो फिर ये तंदूर रोशन है, अब इस तंदूर में तू कूद जा। देखा अभी क्या कह रहे थे, मौला मैं आपको चाहता हूं, मेरे अलावा 1,00,000 तलवारें खुरासान में है जो आपके पक्ष में चलने को तैयार है, मौला आप उठिए हम आपके साथ होंगे, आगे आगे होंगे, आपके साए की तरह रहेंगे, आपका गया हुआ हक वापस आ जाएगा, उठिए मौला। मौला ने क्या फरमाया, दावे के साथ साथ दलील भी होना चाहिए। ये तंदूर रोशन है, इसमें कूद जा। उससे अरे फरजंद रसूल यहां बात क्या हो रही है और आप तंदूर में कूदने की बात कर रहे हैं? अगर मैं तंदूर में कूद गया आप तो मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे, मेरा कुनबा खानदान क्या करेगा, सब रो के मर जाएगा, आप मुझे जलाना चाहते। मौला ने फरमाया हम जलाना नहीं चाहते, मोहब्बत का टेस्ट लेना चाहते, मोहब्बत को टेस्ट कर रहे हैं, मोहब्बत को जांच रहे हैं कि नोके जमान की मोहब्बत है या कल्बे सुल्तान की मोहब्बत है।
यानी सिर्फ जबान की मोहब्बत है या सलीम कल्ब सलीम की मोहब्बत है। मौला ने फरमा चुप बैठ जा अच्छा, मौला फरमा बैठ जा अच्छा। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि इतने में सच्ची मोहब्बत वाला दौड़ता हुआ आया। मुझे तो ये लग रहा है कि ये खुद आया होगा और अब जो आ रहा है वो रहमान का भेजा हुआ आ रहा है। आया कौन? हारून मक्की अपनी जूती चप्पलियों चप्पलों को अपने पोपा पोशाकों को अपने हाथों में लिए हुए कहा मौला क्या हुक्म है? मौला ने फरमाया हारून मक्की तंदूर रोशन है कूद जाओ। अल्लाह जिसके दिल में मोहब्बत सच्ची होती है तो वो आग में चलने से घबराते नहीं है। उन्हें मालूम है कि जलते तो दुश्मन है मुहिम नहीं चला करते। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहब्बत नाम ही है बचाने का, मोहब्बत नाम जलाने का नहीं है। दीदाने का नाम ही और जिसके भी छको छुपा पैदा हो जाए कि अब वह तो फिर कुछ चाहता है क्यों? इसने कुछ को मोहब्बत का एतबार नहीं रहा। अब इसने क्या कहा फरजंद रसूल हारून आए हारून मौला हुक्म क्या? मौला ने फरमाया हारून कूद जाओ तंदूर में कूद जाओ। ये किलो काल कर रहे थे कि आप मुझे जलाना चाहते हैं, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे परिवार क्या करेगा, मेरा कुटुंबा क्या करेगा, मेरा खानदान क्या करेगा। लेकिन वहां हारून मक्की मोहब्बत और इत्तेबाए नबुव्वत और इत्तेबाए इमाम पर है। मौला जो हुक्म आपका, फौरन तंदूर में कूद गए। मौला ने हसन खुरासानी से फरमाया जा हसन खुरासानी तंदूर को ढक दे। उसने ढक दिया। कुछ इधर उधर की गुफ्तगू होती रही, तवज्जो दीदा नहीं रही, कुछ इधर उधर की गुफ्तगू होती रही। फिर मौला हालात मालूम करने लगे लेकिन इमाम मुतमईन बिल कल्ब है और जो आने वाला हसन खुरासानी है वो बेचैन है। इमाम ने जब बेचैनी देखी हसन खुरासानी की तो कहा क्यों बेचैन है? मौला से हसन खुरासानी कहता है हम बेचैन इसलिए हैं जब तो वो जल गए होंगे। तो मौला ने पलट के जुमला कहा सच्ची मोहब्बत वाले जला नहीं करते हमेशा आबाद हुआ करते। जी सच्ची मोहब्बत वाले जला नहीं करते वो तो आबाद होते हैं। अदीदाने गरामी ये कह के मेरे मौला ने फरमाया बहुत तवज्जो, मेरे मौला ने ये कह के फरमाया जाओ सने खुरासानी अब तुम्ही ने तंदूर का ढक्कन ढका था, अब तुम्ही तंदूर के ढक्कन को खोल के देख लो कि इमाम की मोहब्बत जलाती है कि जिंदा रखती है। अब जो आगे बढ़े हसन खुरासानी तो क्या देखा? तंदूर के ढक्कन को खोला तो उसमें क्या देखा कि इससे पहले आग रोशन थी और अब तंदूर की हयातो हयूला ही बदल गया है, कैफियत ही बदल गई है। अब तो तंदूर के अंदर निगाह डाल के देखा तो क्या देखा कि पूरी अंदर की कायनात एक गुलशन नूर बनी हुई है, एक बाग बनी हुई है, एक गार्डन बनी हुई है और उसी गार्डन में एक नूरानी तख्ता रखा हुआ है और उसी नूरानी तख्ते पहाड़ों में मक्की कुरान मजीद की तिलावत कर रही है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या आपने दीदाने गरामी ये है सच्ची इमाम की मोहब्बत जी। अब जब इन्होंने मंजर देखा हैरत की तस्वीर हो गए और हैरत की तस्वीर अभी हो ही रहे थे कि छठे इमाम ने पूछ ही लिया हसन खुरासानी देखा तुमने? तुमने देखा ऐसे होते हैं इमाम के चाहने वाले? अब तुम ये बताओ तुम्हारे खुरासान में ऐसे कितने हैं? तुम्हारे खुरासान में ऐसे कितने हैं? तो पलट के हसन खुरासानी कहता मौला एक भी नहीं और हद यह है कि मैं भी नहीं।
तो मोहब्बत जहां से शुरू की थी मैंने कुरान के सूरह आले इमरान से 31वीं आयत से कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब अगर आपकी उम्मत मुझसे मोहब्बत का दावा करती है तो उसको पलट के ये कहो कि तुमको दावे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, मुझ रसूल का इत्तेबा करते चले जाओ, मुझ रसूल का इत्तेबा करते चले जाओ, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करने लगेगा, वह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, इसलिए कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। रहम ऐसा करने वाला है कि फिरौन भी आ जाए तो भी रहम करे, मूसा भी आ जाए तो भी रहम करे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बस जाने ग्रामी लम्बा तमाम में इंशाल्लाह कल आप लोग थोड़ा सा टाइम से तशरीफ ले आइएगा, ये सिलसिला और अच्छे तरीके से डिटेल में आपके खिदमत में हम मौका मौका बयान करेंगे कि मोहब्बत कितनी। 9 बजे शुरू हो जाए बहुत बड़ी बात, माशाल्लाह बिल्कुल सही, लेकिन 9 बजे कहाँ शुरू हो पाता, होना चाहिए 9 बजे शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हम भी टाइम से अभी और एक प्रोग्राम रहता ना इसकी वजह से, तो ये सिस्टम चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो आपने गौर किया कि मोहब्बत पे ही हर चीज़ का दारोमदार है, हर चीज़ का दारोमदार मोहब्बत पे है। अगर मोहब्बत न होती तो हजरत इब्राहिम खलील न बनते, अगर मोहब्बत का मामला अलैहिस्सलाम न होता तो ये सारे के सारे जो मसाइल आप तक पेश किए जा रहे हैं ये सब मोहब्बत ही के मरहून मिन्नत है, ये मोहब्बत ही का मरहला था। जो यजीद ने कह दिया ना कि कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया, ये कोई छोटी बात है? भाई जहनों में कभी कभी तो सवाल पैदा होता है कि ये मौला हुसैन ही ने कर्बला क्यों बर्पा की है, किसी इमाम ने कर्बला क्यों ना बर्पा की? तो हुसैन के बाद तो हर इमाम ने यही जवाब दे दिया था, एक मरतबा कर्बला बर्पा हो चुकी है, अब बार बार कर्बला बर्पा होने की जरूरत। अच्छा, अब फिर जहन में सवाल पैदा हो सकता है, ये तो मौला हुसैन के बाद की बात है, मौला हुसैन से पहले मौला अली का ज़माना गुजरा, बहुत तवज्जो, मौला हसन का ज़माना गुजरा जी, तो कम से कम मौला अली कर्बला बर्पा करते, मौला हसन कर्बला बर्पा करते, साफ वहाँ भी सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं थी, मैं क्या अर्थ कर रहा हूँ, कर्बला तो बर्पा हो जाती, लेकिन इनकार दीन का मामला नहीं था। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ भाई साहब, मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक मेन पॉइंट में देना चाह रहा हूँ आपको, मोहब्बत के उनवान पर देना चाह रहा हूँ। हज़रत अली ने कर्बला बर्पा नहीं की, क्यों नहीं बर्पा की? क्योंकि अली के सामने इनकार दीन का मामला नहीं था, इकरार शेखैन का मामला था। तो मौला ने क्या फरमाया, मौला अली ने क्या फरमाया कि देखो दीन के मामले में जो अल्लाह की तरफ से कायम है वो वही कायम रहेगा, लेकिन जहां तक सीरत शेखैन का मामला है तो उन पर जरूरी है कि वो हमारी सीरत पर चले, हम पर जरूरी नहीं है कि हम उनकी सीरत पर चले। मैं याद कर रहा हूं, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले, आपकी खिदमत में याद दहानी के लिए अर्ज कर रहा हूं कि कर्बला बर्पा क्यों नहीं की, क्योंकि ऐसा मामला, ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल न मौला अली के सामने आई न मौला हसन के सामने आई, अगर आई होती तो अली भी कर्बला बर्पा करते, अगर आई होती तो हसन मौला हसन सुलो ना करते, कर्बला बर्पा करते, लेकिन जब सूरत हाल मौला हुसैन के सामने ये आ गई कि कोई दीन नहीं आया, क्या सुन रहे हैं आप,
कोई दीन नहीं आया, कोई शरीयत नहीं आई, कोई आईन नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई वही नहीं आई, तो अब फर्जंद रसूल मदीने की सरजमीन पर उठ गया। हवादार यजीद शाम के रहने वाले जबान कुद्दी से खेच लेंगे अगर ये तूने कह दिया कि कोई दीन नहीं आया। भाई क्या अर्ज करता हूं मैं आपके कदम, कौन कहता है कि दीन नहीं आया? अब तूने दीन नहीं मान पाया ये तेरे मुकद्दर की बात है। सलावत पढ़े मोहम्मद अली, कौन कहता है कि दीन नहीं आया? है बात या नहीं? अब तुम दीन ना मान पाओ ये तुम्हारे नसीब की बात है, लेकिन कौन कहता है कि दीन नहीं आया? तुम ना समझ पाओ, स्कीम निकाली, कानून बनाया, और कानून ये बन चुका था मुबाहले से ही बन चुका था कि रसूल ने खुद मौला हुसैन से फरमाया, देखो यहाँ सदाकत की बात है, वहां दीन का मामला आएगा। देखो मेरी सदाकत पर जब फर्क आया तो फिर अपनी सदाकत को बचाने के लिए हम तुम्हें सबको लेके आ गए। ऐसे ही हुसैन अगर मेरे दीन पर आंच आए और मेरे दीन पर कोई बुरा वक्त आने पाए तो जैसा काफिला मुख्तसर लेके मैं निकला हूं, ऐसे ही अपने खानदान से मुख्तसर काफिला लेके निकल जाना। तो अदादारा ने मजलूम सईद शहदा, बस मैंने तमाम किए लम्हे, ये मोहब्बत ही तो थी कि जिसने जिंदगी में जिना बख्शी। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सर और बैत का मामला जब रखा गया तो मौला ने क्या फरमाया कि बैत तो हम कर नहीं सकते क्योंकि बड़े छोटे बड़ों के सामने झुका करते हैं, छोटे बड़ों के सामने झुका करते हैं लेकिन बड़े छोटों के सामने नहीं झुका करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं जो आलीन हो, जो सब के सब अली हो, जो सब के सब मोहम्मद बन के अल्लाह की तरफ से आए हो, यजीद चाहता था मेरे सामने झुके। मौलाना क्या फरमाया मुझ जैसा तो जैसे की बैत। क्या जुमला है खुदा के तारीखकार है, यानी वही बात है कि अगर माँ मैसूना हो तो बेटा यजीद होता है, अगर माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने देखा कि एक तरफ मैसूना का लाल, एक तरफ फातिमा का लाल, सर का काटने वाला जलील और रुस्वा हो गया, सर का कटाने वाला जिंदे जावेद हो गया। आज हर गली गली कूचे कूचे से या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन की सदा बुलंद हो रही है। कहना पड़ता है कि जो बेसदा है अभी और कुछ जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा, और जबाने भी समय तमार की कसम दे दो अली के नाम पे गूंगा जरूर बोलेगा, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी ना बोलने वाला जरूर बोलेगा, ज़बाने मीसमे तमार की कसम दे दो अली के नाम पे गूंगा जरूर बोलेगा, और अली का बोझ छुपाने से छुप नहीं सकता, ज़बान बोली तो चेहरा जरूर बोलेगा, ज़बान बोली तो चेहरा जरूर बोलेगा। ये हकीकत है अली दाने गरामी, आज पूरी कायनात के चप्पे चप्पे में गोशे गोशे में कितनी बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, मगर इसके बावजूद भी हुसैन का जिक्र थमता नहीं है, हुसैन का जिक्र खामोश न क्यों? इसलिए इसलिए कि अल्लाह ने खुद कहा तुम मेरे जिक्र को मिटने ना दो, हम तुम्हारे जिक्र को मिटने ना देंगे। अब तुम्हारी लाइफ तो महदूद लाइफ है, अरे मैं तो ला महदूद हूं, अरे तुम अपनी लाइफ में हमारे जिक्र को मिटने ना दो, हम अपनी लाइफ में तुम्हारे जिक्र को मिटने ना दो।
सलावात पढ़े मोहब्बत वाले हो। अब देखिए कायनात और होती है, कल्बे सलीम की मोहब्बत और होती है। जो हुसैन ने कहा वो खुदा की कसम करबला के तख्त सहरा में करके दिखा दिया। आप देखिए लोग करते हैं सर कट जाएगा, अरे कट जाने दीजिए, लेकिन कम से कम सिलसिला तो न रुकने पाए मोहब्बत का। अरे भाई मेरी कोई जबान काटता है तो काट ले, लेकिन जब तक चल रही है तब तक तो या हुसैन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कट जाएगी कट जाएगी। जिसने जबान दी है वो जबान ले लेगा, वरना किसी में औकात नहीं है कि जबान देने वाला और हो और जबान लेने वाला और हो ही नहीं सकता। अदीदाने गरामी, इसको दूसरे लफ्जों में यूं, यानी जिसको खुदा रखे यानी उसको कौन मतलब काटे या क्या, यानी मतलब यही है अधिकारी ग्रामी, जिसको अल्लाह इज्जतदार बनाना चाहता है उसको कोई जलील नहीं कर सकता है। वाकई खुदाई कसम चार गए मासूमीन में ऐसी इफ्तिखारी उनवान पर मरकजियत फातह करबला को हासिल हुई है कोई अंदाजा नहीं कर सकता खुदाई कसम। अब ये इतने भी रिसालत के प्रोग्राम आप देखें, ये प्रोग्राम देखें कि होते हैं सही है, कई बात हस्तियाँ पहुँचती कई बात हस्तियाँ नहीं पहुँचती, लेकिन हुसैनी प्रोग्राम जब होता है ये इफ्तिखार है खुदा की कसम। ये हम नहीं कहते बल्कि बाबा के तोहल डंके की चौक पर विलायत के मेंबर से इफ्तिखारिया उनवान पर हम ये बात कहने को तैयार हैं। अजीजाने गरामी कहते हर प्रोग्राम में आपके, जरूरी नहीं है कि आप शरीक हो और खुदा भी शरीक हो, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है वाहिद और इकलौता जिसे मजलिस हुसैन कहते हैं कि इस प्रोग्राम में हम भी शरीक होते हैं, आप भी शरीक होते हैं, अंबिया भी शरीक होते हैं, औसिया भी शरीक होते हैं। जुमला आगे कहूं, जो लाशरीक है वो भी शरीक होता है, जो लाशरीक है वो भी शरीक होता है। उसकी दलील क्या है? सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। सलावात और दुरूद बयान की जो मजलिस होती है जिसमें जिक्र हुसैन होता है, जिसमें जिक्र अहले बैत होता है, जिसमें जिक्र सैयद साजिदीन होता है, अज़ीज़ाने गरामी ये वो बज़्म है इकलौती और वाहिद और बेमिसाल और बेनज़ीर ऐसी बज़्म है कि जिसमें ला शरीक भी शरीक होता है। अब काफी दिन पहले मैंने कहा था तमाम हो गया रब्त मसाइब के लिए कि हुई मजलिस तो सभी यहां पहुंचे। कौन कहता है मेरा कोई नहीं, इस पे मेरा एक कलाम है कभी सुनाऊंगा मौका ना। कौन कहता है मेरा कोई नहीं जुजली रहनुमा कोई नहीं। हाँ बैठे के बैठे रह गए, थोड़ा सुभान अल्लाह तो बोला होता। कौन कहता है मेरा कोई नहीं, कौन कहता है मेरा कोई नहीं जुजली रहनुमा कोई नहीं। और हुई मजलिस तो अलिसा हुई मजलिस तो सभी आ पहुंचे, हुई मजलिस तो सभी आ पहुंचे वहां वालों में बचा कोई नहीं। सलावात पढ़े मोहम्मद वालों वहां। आपने गौर किया कि जब मजलिस होती है
वाले में सब यहां शरीक होते हैं। अल्लाह को अकबर, ये है वालिहाना हुसैन की कुर्बानी का नतीजा। जाने का बस मैं तमाम कर गया, रब के मसाइब के चंद लम्हे और मैं इस तमाम को रही बाप यादा। क्या खलूस था हुसैन की कुर्बानी में, ऐसा खलूस, ऐसा खलूस कि जबां पखंज गले पखंजर रवा था और जबां पर कलमे इलाही था, जबां पर जिक्र इलाही था। आप खुद सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा। हमने मक्तल को पढ़ा है कि जब खंजर मौला के चल रहा था तो दूर से दरे खैमा से जैनब ये मंजर देख रही और ललकार के पुकारा, और साथ के बच्चे मेरा माज आया जबा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। बस रिवायत बताती है कभी हुसैन ने जैनब की आवाज को सुना, सर उठा के एक ही जुमला कहा, बहन अभी तेरा हुसैन जिंदा है, खैमे में पलट जा। रिवायत बताती है कि अभी जैनब खैमे में पलटी ही थी कि फुरात का पानी नेज़ो उछला, जमीन करबला को जलजला आया, सूरज को कहन लगा, एक मुनादी ने निदा दी, अला कुतिलल हुसैन बे करबला, अला सुबिहल हुसैन बे करबला, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद चौदा। आदादारो साहिबान मकातिल लिखते हैं कि उधर हुसैन करबला में शहीद हुए, उधर बीबियों के खैमों में आग लगी, एक खैमा जला तो बीबियां दूसरे खैमे में, दूसरे खैमा जला तो बीबियां तीसरे खैमे, यहां तक के तमाम खैमे जल गए। आखिर में एक खैमा बाकी रह गया जो सैयद सज्जाद का खैमा था। अब बीबियां सैयद सज्जाद के खैमे में पहुंची, जैनब ने शाना हिलाया, बेटा हुसैन के बाद अब तुम ही हुज्जत खुदा हो, बेटा कहो तो हम चलते खैमों में मर जाए या जान बचा के बाहर निकले। बस एक मरतबा रिवायत के फिक्रे हैं कि सैयद सज्जाद ने कच्चे जो आग खोली, फूफी अम्मा, अरे क्या कहा, क्या कहा फूफी अम्मा, नो के नेला की बुलंदी पर है, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अरे बाबा बेटा यतीम हो गया, अब उसके बाद सैयद सज्जाद की जिम्मेदारी। बस आखिरी फकरा मैंने तमाम हो गई। रिवायत बताती है कि कितने सितम सहे हैं सैयद सज्जाद ने, कितने सितम सहे हैं, और ये वो सैयद सज्जाद हैं जो खुदा की कसम कोई अंदाजा नहीं कर सकता। चार मुहर्रम को थोड़ी गुस्ताखी हो गई थी, बहुत रोएंगे इस फिक्रे पे, थोड़ी सी शिमर ने गुस्ताखी कर दी थी कि जहां खैमे लगाए हटा दिए जाए। सैयद सज्जाद को चला ला गया था, मौला हुसैन ने जब सैयद सज्जाद को जलाल को देखा फौरन दुआ की, पालने वाले मेरे सज्जाद का तो इंतखाब करबला में नहीं है तो फिर ये जलाल कैसा, ऐ अल्लाह मेरी लाज को रख दे वरना हम शहादतों से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि सैयद सज्जाद की शुजात भी बेमिसाल है। वही इमाम हुसैन ने उधर दुआ की, इधर सज्जाद के हाथों में राशा आया, तलवार छूट के जमीन पर गिर पड़ी, अब उसी वक्त से सज्जाद पर वशी आई, कच्चे हाथ कब खुली जब बाबा लो के रोना पे नजर आया, अरे बाबा मुझे बताया भी नहीं, अरे बाबा बेटे को अकेला। तमाम हाजरी की हाजिरी को कबूल फरमा, मुर्शियत की हिफाजत फरमा, दुश्मनान शेख दुश्मनान आदि मोहम्मद फरमा, परवरदिगार
हम से मजालिस से हमारे जमाने के मौला इमाम ज़मान इस्लाम को राज़ी और खुशनूद फरमा, गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला के ज़ुहूर में ताजीर फरमा और हम सब सबको सफ़ा के साथ लश्कर मौला में शरीक होने के लायक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। वाख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।